विजयपुर में नहीं दिखा भारत बंद का असर, गांधी चौक पर विशाल किसान महापंचायत आयोजित। भारत बंद के आह्वान पर किसानों की विजयपुर में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस का भरपूर सहयोग देखने को मिला। विजयपुर के गांधी चौक चौराहे पर किसान महापंचायत में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत के नेतृत्व में गांधी चौक चौराहे से तहसील परिसर तक पैदल यात्रा कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम विजयपुर SDM को ज्ञापन सौंपा गया। इसी के साथ ही विजयपुर में भारत बंद का असर अच्छा खासा दिखाई नहीं दिया। गांधी चौक चौराहा पर आम सभा समाप्त होते ही तहसील परिसर तक किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल मार्च करते निकले। रैली को देखते हुए विजयपुर के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में विजयपुर क्षेत्र के दूर दराज इलाकों के किसान उपस्थित रहे। गांधी चौक चौराहे पर हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं किसान आम सभा में मौजूद थे, जिस कारण आम रास्ते पर जाम लग गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक बाबूलाल मेयोरा, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीधर गुज्जर, आशाराम सोनी आदि लोग मौजूद रहे। जिला संवाददाता दिलीप कुशवाहा के बाढ़ के कारण, भीषण बाढ़ के कारण तो किसानों का, व्यापारियों का नुकसान हुआ है, आर्थिक स्थिति से भी बदले नष्ट हो गई। लेकिन मुआवजे को लेकर और दूसरा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो आज देश की हालात है, महंगाई है, कोई देश बेरोजगारी, किसान आंदोलन, सब बातों को देखो, किसानों के तीनों काले कानूनों को निरस्त कराने का आंदोलन, इन सब बातों को देखो, जो अपना किसान और महंगाई और बेरोजगारी से निपट जाए, रोजगार मिले युवाओं को, उसके लिए देश की सरकार और इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय मांग उनको लेकर के धरना दिया है। व्यापारियों पर आजवासी दी जाए, मकान नष्ट हुए, पशु नष्ट हुए, इस तरह से इन मांगों को लेकर के आंदोलन लेकर आएंगे। और अगर मांगे नहीं माफ, हम धरना देंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और देश के प्रशासन जिला।